देखिए 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, मतलब ऑनलाइनर टाइप का है। तो भाई क्या है कि भारत का 1857 के विद्रोह, भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए गवर्नर जनरल मतलब प्रेसिडेंट टाइप का, जो आज की डेट में आप प्रेसिडेंट बोलते हैं उस समय गवर्नर जनरल जो है, उसके बाद इसको हटाकर वायसराय वगैरह लाया गया। तो है क्या कि मतलब भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे जी? लॉर्ड कैनिंग थे। और सबसे पहले बलिदान कौन दिए? मंगल पांडे। किसी जिले थे? बैरकपुर के सामने जिले थे। कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कौन के थे? तात्या टोपे। कौन जी? तात्या टोपे। और तात्या टोपे के दोस्तों ने क्या किया, इनके साथ धोखा कर दिया और ये पकड़े गए और मारे गए। फिर सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण तत्व क्या था? सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो हिंदू मुस्लिम की एकता। और इस हिंदू मुस्लिम की एकता को भड़काने के लिए आपका यूपी में अंग्रेजों ने 55,000 रुपया जो क्या जी खर्चा किए, लेकिन फिर भी क्या हुए? और नाकाम रहे अंग्रेजों ने। एंटी राइफल को कब शामिल किया गया? तो जनवरी में शामिल किया गया। कहीं कहीं आपको दिसंबर में भी मिलेगा, इसे दिसंबर में शामिल किया गया, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया, ठीक है। और कहीं कहीं मिलेगा जनवरी 1856 में शामिल किया गया। अब यह क्या कि विद्रोहों के दमन के बाद, विद्रोह क्या जी दमन मतलब विद्रोह जब खत्म होता है, तो इंडिया भारतीय फौजों के संबंध जो है किस आयोग से था? जिसे जी फिलहाल। फिर आई क्या कि 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने किसने लिखा? तो मिर्जा गालिब ने। किसने लिखा जी? मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को लिखा। फिर क्या कि अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था जी? मौलवी अहमदुल्ला शाह। फिर जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये कौन थे? जमींदार। और ये अपना है क्या मतलब 1857 के विद्रोह में ही क्या होते हैं, अपना एक हाथ गंवा देते हैं और फिर क्या जी मारे जाते हैं, कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो लॉर्ड पार्मरस्टन। कौन थे जी? लॉर्ड पार्मरस्टन थे। और किसके मित्रों ने धोखा दिया और उसे अंग्रेजी बंदी बनाकर मार दिए? कौन जी? तात्या टोपे के। फिर दिल्ली से जो है विद्रोह कौन किए थे? तो बख्त खां। कौन जी? बख्त खां किए थे। फिर राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था इसको? बेंजामिन डिजराइली। कौन दिया जी? बेंजामिन डिजराइली ने। यह विद्रोह भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित था, ये बात किसने कहा? तो विनीत चावलकर ने कहा। जातीय आधार पर अंग्रेजों की मदद जो है किसने की? तो सिख, गोरखा और पठानों ने की। सही क्या कि सबसे कट्टर कड़ी, सबसे कट्टर क्या जी कड़ी कौन थे? बहादुर शाह। कौन थे जी? सॉरी, सबसे कमजोर कड़ी किन्हें मारा गया? तो बहादुर शाह को। और इनको क्या किया अंग्रेजों, कहाँ भेज दिया जी? रंगून भेज दिया, क्योंकि इनको वाईपी ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के साथ मिल गए, ठीक है, जो भी गुप्त बातें थी बता दी, निर्वासित कर दिया गया। कहाँ निर्वासित किया गया इनको? रंगून। अब है क्या विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है किनका था? कैंपबेल का। किसका जी? कैंपबेल का। अब है क्या, देखो ची का मतलब 1857 के विद्रोह में ची का मतलब क्या था? कमल और चाय पत्ती। क्या था? कमल और चाय पत्ती। फिर विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज जो है नियंत्रण, मतलब विक्टोरिया मतलब महारानी थी, ठीक है ना जी, महारानी विक्टोरिया बोल सकते हैं, ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में जो है भारतीय प्रशासन रहेगा, भारतीय जी प्रशासन रहेगा। ये बात को अनाउंस किया गया 1 नवंबर 1858। अब देखिए इस समय क्या किया गया ना कि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद क्या लाया गया? तो ब्रिटिश ताज, ठीक है, मतलब पूरा जो ब्रिटिश जो महारानी है उन्हीं का जो है अधिकार रहेगा। विद्रोह के बाद सिपाही का चयन जो है कौन कौन मतलब प्रांतों से हुआ? गोरखा, सिख और पंजाबी। किस प्रांत से? उत्तर प्रांत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन लिखे भाई साहब? एसएन सेन। फिर क्या विद्रोह के बाद जनरल गवर्नर को हटाकर, जनरल क्या जी हटाकर वायसराय लाएगा। क्या लाया गया? वायसराय, ठीक है, जिसे आज की डेट में आप प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, मतलब राष्ट्रपति। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग कौन नहीं लिए? भगत सिंह। फिर आई क्या अंग्रेजों के संघर्ष में, संघर्ष जो है किसके साथ रहा? तो सहदत खां के साथ रहा।